वो कौआ जंगल में आ पहुंचा है और चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस लाल फूल की खुशबू थोड़ी सी नींबू जैसी है और इस पीले फूल की खुशबू थोड़ी सी एसिडिक है। क्या तुम इनमें फर्क बता सकते हो मोगली? अपनी आंखें बंद करो, बताओ ये कौन सा फूल है? लाल वाला। अब तुम्हारी बारी। पीला वाला, लाल वाला। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। माना मेरी नाक तुम्हारी जितनी तेज नहीं, पर मेरे पास फूलों को पहचानने के लिए अपने तरीके हैं। मैं उनके आकार को देखता हूँ, उनके रंग को। जल्दी, वो आ रहा है। ये शैतान कहाँ चले गए? उन्होंने मुझे चार बार अपनी नींद से जगा दिया है। हर जीत को अपने आसपास की सभी चीजों और जानवरों के ऊपर बदबू फैलाने का शौक है। क्या हमने उसे पीछा छुड़ा लिया? हाँ, वो खतरनाक बदबू अभी भी हवा में तैर रही है। वो हमसे ज्यादा दूर नहीं हो सकता। नहीं, ये वो नहीं हो सकता। किसी भी जानवर से इतनी बुरी बदबू नहीं आती। चलो रुको, उस तरफ नहीं जाना है। हम शेर खान के करीब पहुँच जाएंगे। चिंता मत करो, मुझे उसके इलाके के पास से एक शॉर्टकट मालूम है। ये रहा मेरा फेवरेट। खूबसूरत है, इसके जैसा कुछ भी नहीं। सुंगो, इसके जैसा कुछ नहीं, इसमें से भी वही बदबू आ रही है जो वहाँ आ रही थी। मुझे लगता है मेरी नाक बंद हो गई। मोगली, मेरी मदद करो, समझ नहीं आ रहा सबसे पका हुआ आम कौन सा है। वैसे छू कर देखो, ये वाला ज्यादा मुलायम है। ये जरूर पक गया होगा, चाहो तो इसे खा सकते हो। शुक्रिया, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। वो चारों तरफ बदबू फैला रहा है। मोगली, बाला और लाली तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं, वो हरजीत के साथ खेल रहे हैं। खेल रहे हैं या उसे परेशान कर रहे हैं? मेरी नाक बता रही है कि हरजीत गुस्से में है। हरजीत जब भी भयंकर बदबू छोड़ता है तो भी वो इतनी बदबूदार नहीं होती। मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंढूंगी? इस बदबू की वजह से मेरी नाक बेकार हो गई है। मेरी भी, हमें सावधान रहना होगा। अगर मैं खुद से ही टकरा गया फिर भी अपनी खुशबू नहीं पहचान पाऊंगा। फिक्र मत करो रक्षा, बाला और लाली को ढूंढने के और भी तरीके हैं। बाला, कुछ कहो, सामने आओ। यहाँ क्या? देखो, अच्छा शॉर्टकट था, अब हम खो गए हैं। मुझे दोष मत दो, ये हरजीत की बदबू की वजह से है। हरजीत, तुम मजाक कर रहे हो, वो मीलों दूर है। हम शेर खान के इलाके के बहुत करीब हैं। मुझे यकीन है ये खतरनाक बदबू मरे हुए जानवरों से आ रही है। चुप रहो वरना तुम हमें पकड़वा दोगी। मैं उसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता। मुझे डर लग रहा है, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। तुम में बड़ी हिम्मत है जो मेरे इलाके में आकर मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। कल्लू कौआ आपकी सेवा में हाजिर है। शेर खान, आपका नाम जंगल के बाहर भी फैल गया है। मैं इस इलाके में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपके साथ सौदा करने आया हूँ। एक सौदा? मैं आपकी शिकार करने में मदद करूँगा और बदले में आप मुझे बचा हुआ मांस खाने देंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। देखा तुमने, शेर खान को सिर्फ एक ही जानवर पर भरोसा है, मुझ पर। मुझसे दूर रहो, मरियल सियार कहीं के। ओ अच्छा, बस करो टबाकी, मेरे पीछे आओ। हरजीत, लाली और बाला कहाँ हैं? वो बचकर भाग गए, पर जरा उन्हें मेरे पास तो आने दो। ये केला तो पूरी तरह सड़ गया है, इसमें तो कोई बदबू नहीं आ रही है। ये बदबू हरजीत से नहीं आ रही है, उसकी भी सूंघने की ताकत चली गई है।
ओके, अलग अलग हो जाते हैं। बग्गी रक्षा के साथ जाकर लाली और बाला को ढूंढेगा। बल्लू और मैं जाकर देखते हैं कि ये गंदी बदबू आखिर कहाँ से आ रही है। और पंछी वो ऊपर से दूर दूर तक देख सकते हैं और उन्हें बदबू से कोई फर्क नहीं पड़ता। चील, डार्जी इस तरफ। डार्जी वहाँ से बदबू आ रही है। ओह ठीक है। ये कैसी बदबू है? मुझे उन भेड़ियों के बच्चों की खुशबू नहीं मिल रही। चबाकी, ये बदबू कैसी है? मैंने कुछ नहीं किया मालिक, सच में। वो भेड़ियों के बच्चे कहाँ हैं? उन्हें ढूंढना शुरू करो नालायक। मेरा ऑफर अभी भी खुला है बॉस। आज का खास ऑफर हाथ से चला गया तो बहुत बुरा होगा। एक भेड़िए के बच्चे के साथ दूसरा मुफ्त। आप दो बार उनके करीब पहुँच कर भी उन्हें खो चुके हैं। पर हे, अगर आपको भूख नहीं लगी है तो। इतनी जल्दी नहीं मिस्टर सबसे होशियार, तुम्हें अपनी कीमत साबित करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। ऊपर चढ़ जाइए। हम यहाँ तीसरी बार आ रहे हैं। बताओगे हमें और कितनी बार आना पड़ेगा? वेल, कहाँ है वो? हाँ, बताओ वो कहाँ है। तुम खुद को कल्लू दी एक्सपर्ट कहते हो ना? तुम्हारा नाम तो कल्लू निखट्टू होना चाहिए। वो छिपे हुए हैं, पर मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। यही बेहतर होगा। वहाँ झरने के पास कुछ है, वहाँ नीचे है किसी तरह का बड़ा सा फूल है जो। शुक्रिया चील, यहाँ से आगे बलू और मैं संभाल लेंगे। मैं जाकर डार्जी को ढूंढती हूँ। इस तरफ बकीरा। हम यहाँ से चौथी बार गुजर रहे हैं। वो बदमाश भेड़िए के बच्चे एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। बच्चे वो रहे वहाँ ठीक सामने। जाओ पीछा करो, दाई तरफ, सीधे दाई तरफ, सीधा जाइए बाई तरफ, वहाँ नीचे, आगे, अरे नहीं दाई तरफ, नीचे, ऊपर, दूसरी तरफ से, बीच में से, नहीं नीचे, बीच में से। तुम अपनी बकवास जल्दी बंद करो ट्वीटी। हाँ, नहीं, जब तुम रुकोगी मैं रुकूंगी। संभल कर डाली। क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ? मैं कांपते हुए सियार और एक बड़बोले पंछी के साथ फंस गया हूँ। मेरे पीछे आओ। जल्दी, शेर खान आसपास ही हो सकता है। बाहर कहाँ से जाएंगे? वो रहा, देखो वो एक पेड़ के तने से उग रहा है। ये जरूर नदी में बहकर यहाँ तक पहुँच गया होगा। चलो इसे पानी में डाल देते हैं ताकि अपनी बदबू कहीं और फैलाए। मैं सोच रहा हूँ कहीं ये ऑरुम टाइटन तो नहीं है। ये सुमात्रा का एक बड़ा सा फूल है। ये अपने घर से दूर आ गया। खिलने के 3 दिन बाद तक ये बदबू मारता है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक जानवर की सूंघने की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देता है। बॉटनी लेसन का वक्त नहीं है। क्या तुमने कहा 3 दिन? जल्दी धक्का दो। हम बच गए। क्या तुम कुछ सूंघ पा रहे हो? ये तो कमाल हो गया। मैं अब फिर से जंगल की सारी खुशबुओं को सूंघ पा रहा हूँ। मैं भी। कितना अच्छा लग रहा है। इसका मतलब बाकी सबके सूंघने की शक्ति भी वापस आ गई होगी, शेर खान की भी। अगर हम फिर कभी शिकार नहीं कर पाए तो क्या होगा? मेरे पास एक आइडिया है। इतनी जल्दी क्या है? बेवकूफ बदबूदार जानवरों, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। और हमें तुमसे डर नहीं लगता शेर खान। तो तुम यहाँ हो? मेरी नजरों से दूर हो जाओ नालायक यार। और वो बड़बोला पंछी कहाँ है? वो मुझे दोबारा अपने इलाके में नहीं देखना चाहिए। वो अनजान पंछी न जाने कहाँ से टपक पड़ा। हम सबको उस पर नजर रखनी चाहिए। उस पर मैं नजर रखूंगी। मेरे प्यारे फूल,
मुझे खुशी है कि मैं फिर से तुम्हारी सुंदर खुशबू का मजा ले पा रहा हूँ। कल हम उस बदबूदार फूल के बारे में जानेंगे करीब से। वो जरूर झील के पास पहुँच गया होगा। इसे पहनने के बाद हमें बदबू नहीं आएगी। तुम्हें यकीन है हम दो दिन और नहीं रुक सकते हैं बोलू।